हेलो नमस्कार, फूड गुरु मल्होत्रा .com में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो जैसे कि गर्मियों का मौसम चालू हो गया और बहुत गर्मी हो रही है, तो ऐसे में हमें दिल करता है कुछ हम ठंडा ठंडा पिए, जैसे कि कुछ ठंडा हो जाए जो हेल्दी भी हो, जो हमारे पेट के लिए अच्छा भी हो। तो इसी तरह की एक हम ठंडी चीज़ आज बनाने जा रहे हैं, कोकम की, कोकम और नारियल से बनी सोल कढ़ी। आइए देखते हैं इसकी सामग्री। ये कोकम का पल्प है जिसे हमने गर्म पानी में भिगो दिया था। ये जीरा और ब्लैक पेपर पाउडर है, ये दो हरी मिर्चें हैं, ये बारीक कटा हुआ पुदीना है, ये नमक है और ये है कुछ धनिया के बारीक कटे हुए पत्ते। और इसके अंदर हमने नारियल को ऑलरेडी पीस कर रखा हुआ है अच्छी तरह साफ करके। तो अब हम सोल कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने जो नारियल पीस के रखा है, नारियल में हमने थोड़ा थोड़ा चाहिए वैसा पानी भी डाला था। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से हमें नारियल का दूध निकालना है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके एक जग में या एक बाउल में इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे पूरा। देखिए इसका नीचे से बहुत बढ़िया दूध निकल रहा है नारियल का। हमने इसका पल्प बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है, और हमें लगेगा तो हमने और भी पानी इसमें ऐड करना है। देखिए हमने अच्छी तरह से इसका दूध निकाल लिया है। ये अब सिर्फ चोखा सूखा रह गया ऊपर का चौथा, इसे हम साइड में रख देते हैं और आपको बताते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए बहुत ही बढ़िया ये नारियल का दूध निकल गया है। अब आगे का हम स्टार्ट करते हैं विधि। देखिए अब जो हमने कोकम गर्म पानी में भिगोई थी उसे भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे इस तरह से। देखिए ये बहुत ही कलर अच्छा आ गया है, कितना अच्छा, ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। कोकम देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट हो गई है। इसे हमने अच्छी तरह गर्म पानी में करीबन एक घंटा तक रख दिया था, तो ये इस तरह से देखिए इसका कलर भी बहुत बढ़िया हो गया है। इसे हम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे पूरा नारियल के दूध के अंदर। देखा आपने कितनी बढ़िया, देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम ना ये बहुत गाढ़ी है और ना ये बहुत पतली है। ये हमारी सोल कढ़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, चिल करना है हमें इसे। चलिए अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करेंगे। हम इसे इस पहले बॉटल जार में डाल देते हैं इस तरह से, और फिर हम बची हुई ग्लासेस में डाल लेंगे। हमारे पास ये जो ग्लासेस है इसमें हम डाल लेते हैं पीने के लिए। ये हमने सारे ग्लासेस में अच्छी तरह से डाल दी हैं, देखिए। चलिए अब हमने सोल कढ़ी डाल दी है। अब हमें अगला स्टेप करना है, थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना है। हमने ऑलरेडी कोकम में भी थोड़ा नमक डाला हुआ था, अब थोड़ा हम ऊपर से भी नमक डाल देंगे ताकि इसका स्वाद नमक का इसके अंदर थोड़ा अच्छी तरह से आ जाएगा। इसी के साथ हमने इसमें हल्का सा जीरा और ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, और थोड़ा थोड़ा हमने उसके अंदर भी डाला था कोकम के अंदर भिगोने के टाइम, ठीक है। इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसमें हरा धनिया, थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। और थोड़ा सा पुदीना, जिसका कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जो हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। देखा आपने हमारी सोल कढ़ी झटपट बनके रेडी है। देखा आपने किस तरह सोल कढ़ी बनके तैयार हो गई। हमने सोल कढ़ी में ठंडा पानी रखा था इसलिए हमने आइस क्यूब नहीं डाले। आप चाहे तो इस पर आइस क्यूब डाल के और चिल पीना चाहे तो पी सकते हो। हमने सोल कढ़ी का जो था पल्प उसे थोड़ी देर ठंडा करने भी रखा था, और पानी भी हमने फ्रीजर में रखा हुआ था। तो इस तरह देखिए हम डेस्टिनेशन पे, इसलिए हमने आपको फटाफट दिखा दिए नारियल हमने कैसे करके रखा तैयार नारियल का क्रश। तो आप इस तरह से घर में बनाइए, गर्मी के दिन है, सोल कढ़ी पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। और गोवा में आए यहाँ की कोकम ला के सोल कढ़ी नहीं पी तो कोई मज़ा नहीं आता है, तो हमने आज सोल कढ़ी भी ले ली है। तो आप भी ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए
और मेरे जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि उनको भी इसी तरह टेस्टी टेस्टी हेल्दी रेसिपी मिलती रहे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।